दुनिया में अगर कोई इंसान ऊपर आया ना, उसने कहा यार इनके पास भी वही टाइम था जो मेरे पास था, बट अगर मैं इनसे आगे निकल गया ना, बिकॉज मैं अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता ना। मिसाल दूँ, नमाज जुम्मा होगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, कुछ सो जाएंगे, कुछ लोग जुम्मे के बाद वो हेडफोन लगा के कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, डिपेंड्स, हर कोई अपने टाइम से आगे बढ़ा है। यानी टाइम मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। मेरा मॉडर्न थ्योरी ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या कह रही है, इसे सुनिएगा। पुराना जमाना टाइम मैनेजमेंट का क्या कहता था, बहुत सारे डॉक्टर्स या तो अर्जेंट करते हैं या तो इंपॉर्टेंट करते हैं। आपसे सवाल करूंगा, बताएगा अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है? ओपीडी में पेशेंट बैठा हुआ है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, ब्रिलियंट। इमरजेंसी में ऑपरेशन आया हुआ है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? अर्जेंट है। सर सबको बोलना है ताकि मैं साथ लेके चल सकूँ आपको, एक बंदा भी नहीं बोलेगा ना वो पीछे रह जाएगा, मैं आगे निकल जाऊँगा। घर में वालदा स्लिप हो गई है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? अर्जेंट है। MBBS करना था, FCPS करना था, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट था, ब्रिलियंट है। फाइनल ईयर था, थीसिस बनाना था, असाइनमेंट सबमिट कराना था, दो दिन रह गए थे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है? अर्जेंट है, खत्म, आपको समझ आ गया। स्टीवन कवी बाबा का नाम था, 1960 में किताब लिखी इन्होंने या 70s में लिखी। उनमें से स्टीवन कवी ने कॉन्सेप्ट दिया, दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, अर्जेंट या इंपॉर्टेंट। हर कोई काम कर रहा होता है, लेकिन लोग पहले अर्जेंट कामों को करते हैं और फिर इम्पॉर्टेंट कामों को करते हैं, दैट्स हाउ दे प्लान। फॉर एग्जाम्पल, मैं सादिया ने प्लान किया कि मुझे आज 10 काम करने हैं, तो उन 10 कामों को जब इवेल्यूएट किया गया तो मैं सादिया या तो इम्पॉर्टेंट काम करती हैं या तो अर्जेंट काम करती हैं। शेख साहब अर्जेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जो अपने दिन की प्लानिंग करता है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को हाईलाइट करता है, इंसान कामयाब होता है, ये आगे जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इस टेड टॉक को 3.8 मिलियन लोगों ने देखा। मैंने कुछ टॉप डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए, मैंने कहा सर आपके पास भी वही टाइम था, माशाल्लाह आपने अस्पताल बना दिया जबकि आपका आपने कोई वालदैन कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं, कैसे कर दिया? उन्हें कहा सर मैंने मल्टीप्लायर था। हाउ टू बिकम मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में स्टक हो गए। सब कह रहे हैं कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हर डॉक्टर कह रहा है सर टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एक्सपर्ट से मीटिंग कर कोर्स करने गया, उसकी वजह क्या थी? ना अर्जेंट था ना इंपॉर्टेंट था, कम्युनिकेशन आपके पेपर में नहीं आ रहा था तो लोगों ने नहीं किया, बिकॉज ना अर्जेंट था ना इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल ईयर थीसिस में लिख दिया जाए कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, सर्टिफिकेशन करनी, तो सब करते हैं, बिकॉज वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट था। जो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स थे ना, उनसे पूछा गया आप ऊपर कैसे आए, उन्होंने कहा कि सबके पास डिग्री थी, मेरे पास भी डिग्री थी, मुझे भी वही वोकैबुलरी आती थी जो उन्हें आती थी, फर्क सिर्फ इतना था मेरे पेशेंट ज़्यादा थे, मेरी पेशेंट डीलिंग बहुत अच्छी थी, मेरा जो बेसिकली जो एक कम्युनिकेशन स्टाइल था ना वो दूसरों से अच्छा था। उन्होंने कहा अच्छा कैसे हुआ? कहा मैंने कम्युनिकेशन का भी कोर्स किया। कहा आपने कैसे कर लिया? उन्होंने कहा जहाँ मैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कर रहा था ना, वहाँ मैं कुछ ऐसे काम भी कर रहा था जो कि सिग्निफिकेंस रखता हूँ। सिग्निफिकेंस कहते हैं उन कामों को करो जो अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन आज जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या अभी आपके फौरन काम आएगी? नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत मुश्किल पेशेंट आ जाए ना, या कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाए, या डॉक्टर साहब ने कहा कि आप आके प्रेजेंट करें, तो शायद आपको पता होगा कि कैसे करना है, टेक्निक्स क्या हैं, मेरा आईडिया आपको क्या है, मैसेज क्या है, आप इस ट्रेनिंग में क्यों आए, क्यों बैठे। ज़िंदगी में अर्जेंट इम्पॉर्टेंट सब करते हैं, लेकिन अगर किसी ने वक्त को मल्टीप्लाई किया है, वो इंसान है जिसने सिग्निफिकेंस कामों को भी किया। इज इट यस? दैट्स ब्रिलियंट। डेफिनेशन लिखिएगा, यू मल्टीप्लाई योर टाइम, लिखिएगा प्लीज, यू मल्टीप्लाई योर टाइम। आप अपने वक्त को उस लम्हे मल्टीप्लाई कर देते हैं जब आप अपने आप को इमोशनल परमिशन देते हैं। आप अपने वक्त को उस लम्हे मल्टीप्लाई कर देते हैं जब आप अपने आप को इमोशनल परमिशन देते हैं कि मैं उन एरियाज पर काम करूंगा जो फ्यूचर में मेरे काम आए। साल देता हूं, एक डॉक्टर अस्पताल बनाना चाहता है बट उसके पास फाइनेंस नहीं, वो क्या करें? उसने कहा पेशावर में एक स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत सस्ती स्कीम है, अभी उसकी उम्र 25 साल है, वो 50,000 रुपये कमाता है, 40 कमाता है, उसने स्कीम में प्लॉट ले लिया, प्लॉट 2 लाख रुपये का था, अभी जंगल है, रोड भी नहीं काटी है, दरख्त है खाली, उसने प्लॉट ले लिया। 5 साल बाद वो प्लॉट 20 लाख का हो गया, 10 साल बाद वो प्लॉट 40 लाख का हो गया, 20 साल बाद जब वो एक बड़ा डॉक्टर था तो प्लॉट 80 लाख का हो गया, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, 80 लाख का प्लॉट भेजा और एक छोटा सा अस्पताल क्रिएट किया। किसी ने पूछा 80 लाख कैसे है तुम्हारे पास? कहाँ जब सब तुम लोग सब कमाते थे ना, लेकिन मैंने अपनी एक जमा पूंजी जगह इन्वेस्ट की थी, दैट इज सिग्निफिकेंस। जिंदगी में उन कामों को करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको वक्त को मल्टीप्लाई करें। जो रेस कि 80 लाख कमाना आसान है, बहुत मुश्किल है।
यस नहीं, दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, आसान है पर शायद मुझे मुश्किल लगता है. सही, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना सर. मेरी फील्ड में बहुत मुश्किल है, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है.